हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। IRCTC में दोस्तों आज आपको देखने को मिला आखिरी के 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैसिव वॉल्यूम्स आई, वॉल्यूम्स के साथ तेज़ी बनी, 4,960 रुपये का लेवल टच किया। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बैन से बाहर आ चुका है IRCTC, यानी जब कल स्टॉक ट्रेड करेगा तो ये FNO के बैन में नहीं होगा। कल इस पर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था कि FNO के बैन में रहेगा ये, तो आज FNO के बैन में था, इसलिए देखिए तेज़ी आपको थोड़ी सी लिमिटेड देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे देखिए बाज़ार कम आगे बढ़ता गया FNO बैन से, वो वैसे वैसे देखिए बाहर निकलना पक्का था, वो निकल गया है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कल एक रिकॉर्ड तोड़ फिर से स्टॉक तेज़ी करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे IRCTC की, क्या कल का टारगेट लेके चलना है और क्यों कह रहा हूँ मैं कि 6,000 रुपये तो अब आके रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, IRCTC ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 4,946 के आसपास दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप शेयर का चार्ट देखिए, ये एक स्पाइक आ चुका है। ये जो स्पाइक आया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये स्पाइक एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि मैं कल नया 52 वीक हाई बनाऊंगा। 52 वीक हाई क्या है, 4,964। आज का हाई क्या है, 4,960। तो आज सिर्फ 4 रुपये नीचे था वो, और 52 वीक हाई टच कर ही लेता, बट वहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि वो लेवल्स टच नहीं हो पाए। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पिछले 5 दिन के अंदर आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वो आज कंसोलिडेशन एक ब्रेक होता हुआ देखने को मिला। ब्रेक क्यों होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज स्टॉक FNO के बैन से बाहर यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिला है। जब भी फ्रेंड्स कोई स्टॉक FNO के बैन में जाता है तो उसके अंदर जो अपसाइड होती है वो कभी कभार लिमिटेड रह जाती है। लेकिन अब आपको जो अपसाइड है वो और भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये FNO बैन के बाहर आ चुका है, और बाहर आ चुका है तो तेज़ी तो देखिए बन के रहेगी। और बात करेंगे स्टॉक के चार्ट पे, लेकिन अभी कुछ खबरों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी IRCTC से रिलेटेड, IRCTC आपको देखने को मिलता है कि आप उसमें ट्रेन्स की बुकिंग करते हैं, फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं, लेकिन अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो IRCTC है वो बस की बुकिंग की भी सुविधा देने जा रहा है। क्यों ज़रूरी है शेयर के लिए, बिकॉज इससे कंपनी के रेवेन्यू पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और दोस्तों, IRCTC ने देखिए अपने पैसेंजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है कि वो अब बुक कर सकते हैं अपने बस टिकट्स और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। और ये दोस्तों खबर निकल के आई है, ये जो खबर है इसके मुताबिक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, आप IRCTC के जो ऐप है उससे आप यहाँ पे 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर अपनी ट्रेन्स और बसेस को बुक कर सकते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी एडिशनल फ़ी नहीं ली जाएगी पैसेंजर्स से। तो ये एक और बड़ा अपडेट दोस्तों IRCTC की तरफ से आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा कोई दिन जाता नहीं कि देखिए जिस दिन IRCTC के ऊपर कोई खबरें निकल के नहीं आ रही है कंपनी के बिज़नेस को रिलेटेड। और आपको देखने को मिलेगा बिज़नेस के रिलेटेड जो खबरें हैं वो सारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। खबरें पॉजिटिव होने के कारण आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर जो भी रिएक्शन आ रहा है वो मेजरली बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज IRCTC दोस्तों जो बढ़ता हुआ देखने को मिला, डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कल आप मान के चलिए एक गैप अप ओपनिंग के लिए IRCTC में तैयार रहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि IRCTC में कल नया 52 वीक हाई बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा प्री ओपनिंग सेशन में ही। फ्रेंड्स, IRCTC की सबसे बढ़िया बात दोस्तों जो हम मुझे देखने को मिल रही है, लगातार आपको देखने को मिलेगा शेयर थोड़ा चलता है, उसके बाद कभी कभार क्या होता है कंसोलिडेशन दिखाता है, और वो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया होता है कोई भी शेयर के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IRCTC ने बस बुकिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है, वो आज पहला दिन था लॉन्चिंग का, और अब आपको देखने को मिलेगा पहले दिन कितनी बुकिंग्स हो चुकी है, 2500 बुकिंग्स दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है एक दिन के अंदर, जो कंपनी का पहला ट्रायल रन है। तो अभी दोस्तों जो काम कर रही है कंपनी, ट्रायल बेसिस पे कर रही है कि कंपनी को देखना है किस तरह से यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और पहले ही दिन आप कह सकते हैं कि ये सबसे पॉजिटिव है कि IRCTC को पहले ही दिन आपको देखने को मिलेगा 2500 बुकिंग्स देखने को मिल चुकी है। और 2500 बुकिंग्स फ्रेंड्स अपने आप में बहुत बढ़िया है, 2500 बुकिंग्स कम नहीं होती है। और उन्हें ट्रायल बेसिस अगर आपको इतनी बुकिंग्स मिल रही है तो आगे भी दोस्तों यहाँ पे
कह सकते हैं कि और भी बहुत कुछ बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, ये तो रोज़ होते आए ICTC में, लेकिन अब बुक्स क्या हो सकेगी, बस भी बुक हो सकेगी, बस की आपको बुकिंग सर्विसेज मिलेगी। और अब अगर यहाँ पे लगातार दोस्तों ग्रोथ देखने को मिलती है तो आप मान के चलिए रेवेन्यू कितना तेज़ी से बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि IRCTC के स्टॉक के अंदर जो मुझे लगती है कि IRCTC में ग्रोथ तो बहुत है ही है, लेकिन जिस तरह से दोस्तों कंपनी हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रही है, हर एक नई चीज़ लेके आ रही है ताकि इंडस्ट्री में बने रहे मजबूती से। बने रहना काफ़ी नहीं है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो उसको स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को हमेशा नंबर वन बना के रखना है। और IRCTC आपको देखने को मिलेगा वो काम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से निभाता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसलिए देखिए स्टॉक का प्राइस आपको इतना तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बात तो गई IRCTC के ऊपर, अब बात करते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। सबसे पहले शेयर का चार्ट देखिए। सो फ्रेंड, जिस तरह से देखिए IRCTC का स्टॉक चलता हुआ देखने को मिला है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और बढ़िया के साथ साथ आपको रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया मिले। अब यहाँ से आप देखेंगे पिछला एक महीना बहुत एग्रेसिव देखिए स्टॉक ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। याद रखना है आपको, कंपनी ने 28th को यहाँ पे एक्स डेट रखी है अपने स्प्लिट की, तो उससे पहले देखिए जो भी मूव आएगा वो हमेशा तगड़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, FNO का स्टॉक है तो यहाँ पे सर्किट लिमिट कभी चेंज नहीं होती है। अब आपको देखने को मिल रहा है लास्ट 5 डेज में जो तेज़ी दिखाई है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल गया है। कंसोलिडेशन क्यों देखने को मिला, बिकॉज ये FNO के बैन में चला गया था, तो FNO के बैन में जाने के कारण शुरुआती दिन एक गिरावट आई, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्टॉक ने फिर से एक अपसाइड दिखाई है। और अब फ्रेंड्स वो जो अपसाइड है वो और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज कल जब स्टॉक ट्रेड करेगा तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बैन से बाहर आ चुका होगा। इसका मतलब क्या होगा, कॉल्स आपको अनवाइंड होती हुई देखने को मिलेगी, जो भी शॉर्ट्स होंगे वो कवर होते हुए देखने को मिलेंगे, और शॉर्ट्स मेनली मुझे लगता है कि वो 5,000 रुपीज़ के लेवल पर है। और जैसे ही देखिए वो शॉर्ट कवर होगा, हो सकता है कि एक बड़ा अपसाइड ट्रिगर आपको IRFC में आता हुआ देखने को मिले। देखिए अभी 28 तारीख के लिए काफ़ी दिन है, ठीक है, यानी अभी ऑलमोस्ट 13 दिन मान के चल सकते हैं अगर हम बाजार के बंद होने को भी गिन ले तो 13 से 14 दिन अगर आपको देखने को मिलेंगे, तो उस दिन में मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है। और जब भी देखिए IRFC का शेयर चलता है तो वो आपको हमेशा एक बड़ा अपसाइड दिखाता है, मोर देन आपको देखिए 100 रुपये तो एक दिन में आसानी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। आज भी देखिए 129 रुपीज़ बढ़ा 2.69%, तो ये IRCTC में काफ़ी आसानी से बन जाएगा 6,000 रुपये का लेवल, बिल्कुल बने रहना है। मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ से आप 10 से 15% की अपसाइड अगर देख लेते हैं तो 6,000 रुपये का लेवल तो आसानी से आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ से जो इनिशियल टारगेट होगा वो कल के लिए सबसे पहले तो 5,000 का, फिर 5,250 रुपीज़ मुझे लगता है कि कल आता हुआ देखने को मिल सकता है। जिनके पास भी शेयर है बने रहने की पूरी सलाह होगी, यहाँ से स्टॉक के अंदर अपसाइड अभी भी है। मैंने पहले भी ये कहा है कि स्प्लिट होता है तो होने दीजिए, कंपनी आपके पास बढ़िया है, आपकी शेयर्स और बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस होल्ड करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।